फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आपने कई सारी वेबसाइट्स पे इमेजेस लगी हुई तो देखी होगी। कुछ इमेजेस हमारी स्टिल होती हैं, कुछ हमारी मूविंग इमेजेस भी होती हैं। बट क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपनी वेबसाइट पे इमेजेस को किस तरीके से लगाते हैं? अगर आप अपनी खुद की वेबसाइट को बनाना चाहते हैं तो आपको ये जानना बहुत ही जरूरी है कि हम कैसे अपनी वेबसाइट पे इमेजेस लगाते हैं ताकि हमारी वेबसाइट और ज्यादा अट्रैक्टिव लगे और ज्यादा ब्यूटीफुल लगे। तो आज की कोडिंग से हम आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से हम अपनी वेबसाइट्स पे इमेजेस को परफॉर्म करते हैं। तो आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है हमारा HTML इमेजेस। HTML इमेजेस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी वेबसाइट क्रिएटिंग के प्रोसेस में, क्योंकि ये खुद में अपना बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको हम लगाते कैसे हैं, कैसे हम अपनी वेबसाइट पे इमेजेस को लगाते हैं, उसके लिए सिंटेक्स क्या होता है ये हम देखते हैं। यू कैन इंसर्ट एनी इमेजेस इन योर वेब पेज बाय यूजिंग IMG टैग। इसका सिंपल सा एक सिंटेक्स होता है, आप जैसे आप अपने बाकी के एट्रीब्यूट को, बाकी के टैग को डिफाइन करते हैं स्मॉलर देन ब्रैकेट और फिर उसके बाद में IMG, उसके बाद में सोर्स SRC मीन्स सोर्स इज इक्वल्स टू डबल कोटेशन के बीच में आपका पाथ आ जाएगा, इमेज का URL आ जाएगा जो भी आपको इमेज अपनी सेट करनी है। उसके बाद में आएगा ALT मीन्स ऑल्टरनेट टेक्स्ट। जब कभी आपकी इमेज किसी ब्राउजर पे सपोर्ट नहीं करती है तो उस जगह पे हमारा ये पर्टिकुलर टेक्स्ट हमारा शो होगा, इसलिए हम इस ALT एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। उसके बाद में यहाँ पे हमारा साइन जो क्लोजिंग का होता है वो आ जाएगा। एक बात और इसमें नोट करने वाली है कि IMG में इमेजेस वाला जो हमारा जो सिंटेक्स है उसमें क्लोजिंग टैग नहीं लगता है अलग से, क्योंकि इसके बीच में शो होने के लिए कुछ नहीं होता है इसलिए हम अलग से इसको नहीं लगाते हैं, हमारा स्लैश यहाँ लास्ट में आ जाता है। तो हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि किस तरीके से हमारी इमेज हम उसमें लगाते हैं। प्रैक्टिकल करने के लिए हमें चलना पड़ेगा अपने नोटपैड की तरफ, जहां हमने ऑलरेडी अपनी जो सैम्पल कोडिंग है वो लगा रखी है, लिख रखी है हमने ऑलरेडी, ताकि टाइम वेस्ट ना हो। हमें सिर्फ करना क्या है, अपना इमेजेस को यहाँ पे लगाना है, जिसके लिए हम सिंटैक्स अभी देख चुके हैं। सिंपली हमें लिखना है IMG SRC मीन सोर्स इज इक्वल्स टू डबल कोटेशन के बीच में हम पाथ देंगे उस इमेज का जो इमेज हमें सेट करनी है। हम यहाँ पे सिस्टम डिफाइंड जो हमारी पहले से इमेजेस हैं उनकी हम यूज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें ये वाली इमेज अपनी सेट करनी है, तो हमारे सामने दो ऑप्शन होते हैं इमेज को लगाने के, उसके पाथ को कॉपी करने के। एक तो हम प्रॉपर्टीज पर जाकर यहां से कॉपी कर लें इसका, इसकी जो लोकेशन है इसके साथ में जो इसका जो नेम है फाइल का इसके साथ में हमें कॉपी करनी होती है। दूसरा जो है जो थोड़ा सा मुझे इजी लगता है वो है ओपन विद। ओपन विद हम लोग करते हैं किसी भी ब्राउजर में अपनी इमेज को ओपन कर लेते हैं, फिर यहां से URL जो हमारी एरिया रहता है वहां से हम इसको, इसके एड्रेस को कॉपी कर लेते हैं और फिर अपने नोटपैड में जाकर डबल कोटेशन के बीच में इसको पेस्ट कर देते हैं। Ctrl-V कर दीजिए, चाहे आप मैनुअली राइट क्लिक करके पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद में हम लिखते हैं अपना ALT मीन्स ऑल्टरनेट टैग्स डबल कोटेशन के बीच में। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिया है टेस्टिंग। ओके, लास्ट में हमें इसे क्लोज करना है। हम करते हैं इसे सेव और देखते हैं किस तरीके से हमारे ब्राउजर पे शो हो रहा है। हमने इसे यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल हमें इसे इमेजेस के नाम से हम ये सेव कर देते हैं, तो हमने लिखा image.html और कर दिया इसे सेव। मेरी फाइल ऑलरेडी सेव है इसलिए इसने वार्निंग दी है, आपके में ऐसा नहीं होगा। जब ही हमने सेव करी तभी हमारा यहाँ पे आइकन बनकर आ गया, जिस पर जब हम डबल टैप करते हैं तो हमारा पेज कुछ इस टाइप से खुलकर आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि आपकी जो इमेज की हाइट और विड्थ है थोड़ी सी ज्यादा है। अगर आप चाहें तो इसको मॉडिफाई कर सकते हैं एट्रीब्यूट्स लगा के, जो कि हमारे होते हैं हाइट इज इक्वल्स टू डबल कोटेशन के बीच में आपको जितने साइज की अपनी इमेज रखनी है आप वो डिफाइन कर सकते हैं, और विड्थ इज इक्वल्स टू डबल कोटेशन और जिस भी साइज की आपकी विड्थ रखनी है आपको आप यहाँ पर लिख सकते हैं। करा सेव और फिर किया उसे रिफ्रेश। हमने जिस तरीके से अपने यहाँ पे पैरामीटर्स दे रखे हैं उसी तरीके से हमारी इमेज बनकर आ जाएगी। अब हमें क्या सीखना है कि अगर हमें अपनी इमेज को मूव कराना है तो हम क्या करेंगे।
मूव कराने के लिए हमारे पास में जो एट्रीब्यूट है उसका नाम है मार्क्यू, एंड HTML मार्क्यू इज अ स्क्रॉलिंग पीस ऑफ टेक्स्ट डिस्प्लेड आइदर हॉरिजॉन्टली अक्रॉस और वर्टिकली डाउन योर वेब पेज डिपेंडिंग ऑन द सेटिंग। आप जिस तरीके से चाहे मार्क्यू लगा सकते हैं, चाहे आप अपने एलिमेंट को अप डाउन मूव कराएं या फिर आप अपने एलिमेंट को लेफ्ट राइट मूव कराएं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। दिस इज क्रिएटेड बाय यूजिंग HTML मार्क्यू टैग। टैग इसका बहुत ही सिंपल है, हम यूज करके देखते हैं डायरेक्टली कि किस तरीके से यूज होगा। हमारी जो इमेज है उसके ऊपर हमें लगाना पड़ेगा अपना मार्क्यू टैग, और जो हमारी इमेज है उसके बाद में हमें करनी पड़ेगी इसकी क्लोजिंग। करते हैं इसे सेव और देखते हैं किस तरीके से मूव कर रही है। ये देखिए हमारी जो इमेज है वो मूव करने लगी है। अब हमें क्या करना है, हम चाहते हैं कि हमें ये जो इमेज है वो वर्टिकली या फिर हॉरिजॉन्टली मूव करती हुई दिखाई दे, तो उसके लिए हमारे पास में कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनका यूज हम करते हैं। एक बात और, हम चाहें तो इस मार्क्यू टैग के बीच में एक से ज्यादा इमेजेस भी लगा सकते हैं। हम यहाँ पे सिंपल कॉपी पेस्ट करके आपको दिखाते हैं कि हम एक से ज्यादा इमेजेस भी यूज कर सकते हैं। मैंने किया है जस्ट कॉपी एंड पेस्ट। इस मार्क्यू क्लोजिंग टैग के ऊपर हमें अपनी उस इमेज को डिफाइन करना होगा। हमने किया सेव और किया रिफ्रेश। अब आप देख सकते होंगे कि इजीली कि आप एक नहीं यहाँ पर दो इमेजेस आ रही हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे मार्क्यू के साथ में दो इमेजेस दे रखी हैं। फिलहाल हम यहाँ पे अपनी एक ही इमेज रखते हैं क्योंकि हमें अपनी आगे की कोडिंग करनी है ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो हमने कर दिया इसे सेव और अपनी इमेज को एक ही रहने दिया। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं जिनके बारे में हम जान लेते हैं। एट्रीब्यूट्स हैं इसके डायरेक्शन, बिहेवियर, स्क्रॉल अमाउंट। ऐसे कई सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं हमारे जिसकी हेल्प से हम लोग अपनी मार्क्यू को, अपनी इमेजेस को और ज्यादा अट्रैक्टिव लुक प्रोवाइड कर सकते हैं। पर जो बेसिक से एट्रीब्यूट्स हैं उनका मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ, जिसमें है डायरेक्शन। डायरेक्शन की हेल्प से आप बताते हैं कि आपकी इमेज किस डायरेक्शन में मूव करेगी, ये अप डाउन मूव करेगी या फिर लेफ्ट या फिर राइट मूव करेगी। इसका यूज करके हम देखेंगे कि किस तरीके से ये हमारी शो होती है। उससे पहले यहाँ पर बिहेवियर हमारा बताता है, दिस स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ स्क्रॉलिंग ऑफ द मार्क्यू, आपकी किस टाइप से आपकी मार्क्यू स्क्रॉल करेगी, बिहेवियर हमारा डिफाइन करता है। इसकी तीन वैल्यूज होती हैं, स्क्रॉल, स्लाइड एंड ऑल्टरनेट। तीनों में क्या डिफरेंस है ये हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे। थर्ड है हमारा स्क्रॉल अमाउंट, दिस स्पेसिफाइज द स्पीड ऑफ मार्क्यू टेक्स्ट, आपकी इमेज या फिर आपका टेक्स्ट जो भी लगा हुआ है वो कितने स्पीड से मूव करेगा, स्क्रॉल अमाउंट हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है इस प्रॉपर्टी के लिए। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं और देखते हैं किस तरीके से हमारे ये एट्रीब्यूट्स यूज होते हैं। फर्स्ट है हमारा डायरेक्शन। हम लोग मार्क्यू टैग जो है इसी के अंदर हम लोग लिखते हैं डायरेक्शन इज इक्वल्स टू डबल कोटेशन। अब आप देख रहे होंगे कि हमारी जो इमेज है वो लेफ्ट साइड के लिए जा रही है, हमें चाहिए कि हमारी इमेज राइट साइड के लिए जाए, तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा राइट। फिर इसे करिए सेव एंड कर दीजिए रिफ्रेश। देख रहे होंगे आप कि हमारी इमेज जो है वो राइट साइड पर मूव करने लगी है। जो सेकेंड हमारी एट्रीब्यूट थी वो है हमारा बिहेवियर। अब बिहेवियर के लिए हम तीन जगह पे इसे कॉपी कर लेते हैं ताकि आपको स्क्रॉल, स्लाइड और ऑल्टरनेट में डिफरेंस पता लग जाए, क्योंकि बिहेवियर की तीन वैल्यूज होती हैं, स्क्रॉल, स्लाइड एंड ऑल्टरनेट। तो इसको समझने के लिए आपको इसको तीन जगह पे कॉपी करना होगा। हमने इस पूरे को जस्ट कॉपी किया कंट्रोल सी एंड दो और जगह पर हमने इसे पेस्ट कर दिया, वन एंड टू। ओके, तो अब हम अपने बिहेवियर एट्रीब्यूट को यूज करते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यूज होगा। हमें पता है इसकी तीन वैल्यूज थी, एक है बिहेवियर स्क्रॉल, दूसरा है बिहेवियर स्लाइड। एंड थर्ड है बिहेवियर अल्टरनेट। अब करते हैं इसे सेव और देखते हैं किस तरीके से ये शो हो रही है। आप
आप इन इमेजेस को ध्यान से देखिएगा, तभी आपको डिफरेंस पता लगेगा कि ये क्या किस तरीके से हमारी आ रही हैं। जिसमें कि फर्स्ट है हमारी स्क्रॉल, स्लाइड एंड ऑल्टरनेट। तो स्क्रॉल वाली जो है वो हमारी चली गई है, बट अब जो नोट करने वाली चीज है वो अब आएगी। जो हमारी ऑल्टरनेट है वो हमारी थर्ड वाली जो है ऑल्टरनेट, वो हमारी बाउंड्रीज से टकराकर इधर उधर फ्लक्चुएट करती रहती है, रोटेट करती है आपस में ही फिर बाउंड्रीज से टकराकर। जो हमारी स्क्रॉल है वो हमारी जाकर वापस आएगी और वापस से स्क्रॉल करेगी, बट जो स्लाइड है वो हमारी जाने के बाद में वापस नहीं आएगी। यही डिफरेंस है हमारे तीनों बिहेवियर में। तीनों बिहेवियर में इसी तरीके से हम लोग अपनी इमेजेस को लगा हैं, जो भी इसका बिहेवियर है हम अपने अकॉर्डिंग उसे सेट कर लेते हैं। थर्ड वाला जो हमारा एट्रीब्यूट है वो है स्क्रॉल अमाउंट। आप चाहे तो इसे ध्यान से भी देख सकते हैं। देखिए, ये हमारा जो अल्टरनेट वाला है वो हमारा बाउंड्री से टकराकर वापस आ रहा है, और जो हमारा फर्स्ट वाला है जो कि हमारा स्क्रॉल, वो हमारा जाकर वापस आ रहा है, फिर से स्क्रॉल कर रहा है, बट स्लाइड सिर्फ एक ही बार आ रहा है। तो हम अपने नेक्स्ट एट्रीब्यूट पे चलते हैं, स्क्रॉल अमाउंट। स्क्रॉल अमाउंट हमारा बताएगा कि हमारी मार्क्यू या जो इमेज हमारी मूव कर रही है वो कितने स्पीड से मूव करेगी। डायरेक्टली लगाते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से ये आती है। उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा स्क्रॉल अमाउंट इज इक्वल्स टू, डबल कोटेशन के बाद में हमें देनी पड़ेगी इसकी वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल हमने दिया 20, किया इसे सेव, और आप ध्यान से देखिएगा कि जो हमारी इमेज है वो एज कंपेयर टू अदर टूल्स, हमारी जो ये वाली इमेज है वो ज्यादा जल्दी मूव कर रही है। आप देख सकते हैं इजीली कि वो काफी जल्दी में हमारी मूव कर रही है। अगर आप इसकी वैल्यू बढ़ा देंगे तो इसकी स्पीड और ज्यादा फास्ट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हमने कर दिया है 50 और किया इसे सेव, तो ये हमारी और ज्यादा स्पीड से, देखिए और ज्यादा स्पीड से हमारी मूव करेगी। तो स्क्रॉल अमाउंट का हमारा यूज जो है वो इसी टाइप से होता है। अगर आपको ये सारे एट्रीब्यूट समझ में आ गए हैं, अगर आप चाहते हैं कि और जो बाकी के एट्रीब्यूट्स हैं वो भी अगर आप जानना चाहते हैं तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज आप एक लाइक जरूर कर दीजिएगा एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।